बलरामपुर सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग वनकटवा रेंज के वन विभाग की टीम बुधवार सुबह करीब 11 बजे वन रक्षक मोहम्मद जहीर वनकर्मियों के साथ गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान दो संदिग्ध नेपाली शिकारी दिखे। वन विभाग टीम ने घेर कर नेपाली शिकारियों को धर दबोचा। नेपाली शिकारियों ने धारदार हथियार से बाचर उग्रसेन यादव 45 वर्ष पुत्र रामचंद्र निवासी रतनवा के ऊपर हमला बोल दिया, जिससे उग्रसेन यादव के पेट तथा पीठ में चाकू लगने से घायल हो गए। हमला कर नेपाली शिकारी भागने में सफल हो गए। नेपाली शिकारियों के पास से दो भरी हुई बंदूक तथा चार चाकू बारूद दो टॉर्च वन विभाग टीम ने छीन लिया। नेपाली शिकारियों ने भागते वक्त वन विभाग टीम को जान से मारने की धमकी देते हुए निकल गए। सभी बरामद सामान बनकटवा रेंज लाकर अन्य बिंदुओं पर जांच शुरू किया गया। रेंजर इंद्रभान सोनकर ने बताया कि घायल बाचर का हालत ठीक है, निजी चिकित्सक के यहां इलाज चल रहा है। पहचान आए गायों का पहचान ही था साले को परिषद को का देखा है कि आने के अरे नाम ये बताई दी नहीं इतने घंटे हम से हुआ पहुंच गए आए हैं ये हल्ला दूर तक न पहुंच गया कोई बड़ा मां हल्ला हो ही गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।